खबर लक्सर से आ रही है, जहां हरिद्वार जनपद की स्वास्थ्य विभाग से लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे विशेष दल ने अस्पताल परिसर में आयोजित तंबाकू निषेध गोष्ठी में ब्लॉक क्षेत्र की तमाम एएनएम को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के विशेष टिप्स दिए। स्वास्थ्य विभाग प्रभारी जनरल कंसल्टेंट सुनील राणा ने इस दौरान कहा कि तंबाकू लोगों के शरीर में कैंसर को जन्म देता है, जो कि जानलेवा बीमारी है, और कैंसर से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू सेवन के खिलाफ एक विशेष अभियान छेड़ दिया है। उन्होंने बताया कि अब विभाग की फील्ड फोर्स के रूप में एएनएम और आशा कार्यकर्ता हर गली और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है, भारत सरकार के जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनमें से टॉप प्रायोरिटी पे ये राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पूरे हर एक स्वास्थ्य कर्मी को हम अवेयर कर रहे हैं, ताकि वो फील्ड में जाके लोगों को बताएँ कि कैंसर तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर होता है, और जो जितने भी 25 गंभीर बीमारियां हैं वो तंबाकू के सेवन से होती हैं, और बहुत कम आयु से जो बच्चे हैं वो तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं, ताकि ये हमारी फील्ड फोर्स है और यही हमारा मतलब ये लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे कम्युनिटी में जाके, आपने बताया भी, तो अगर ये लोग सेंसिटाइज रहेंगे तो ये अपनी जो इनकी पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, वहाँ पर जाके ये लोगों को बताएंगे कि भाई तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर होता है और गंभीर बीमारियाँ होती हैं। एक्चुअली मैं CHO हूँ, हमारे पास लोग रोज़ OPD बेसिस पे आते हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो कैंप लगाएंगे, हमारा रोज़ फील्ड का ही काम रहता है, जो भी हमारे पास आता है हमें अगर ऐसे लगता है कि हाँ ये स्मोक करता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, अगर वो आगे या तो स्कूल में प्रोग्राम्स करवाएंगे फील्ड में जगह जगह कैंपिंग के थ्रू, और ऐसे मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम अब लॉन्च करेंगे, इस तरह से हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे।